फास्ट में तो मानेंगे सब लोग, सब खड़े हो सब लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। अभी बैठना नहीं है, अभी आपने पूरा एक मिनट क्लैप करना, पता किसके लिए, किस बंदे के लिए। मुझे कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़े बेटा, मुझे भी जानते हो, इनका मतलब पैसे भी कोई नहीं। ओके अच्छा, क्या करने आओ यहाँ पे, रोटी खाने सिया, क्या करने आओ सीरियसली, किसका और एक दिन में ऊंची बोलो तेज। आप सब लोग डिजिटल मार्केटर हो, ठीक है, ये एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, बोल दो यार। आप सब लोग डिजिटल मार्केटर्स हो, और जो हम लोग अल्लाह पर बोलते हैं वो क्या है, बाल के काटना है। एनी कंफ्यूजन किसी को, यार जी बोलो ना, रिस्पॉन्सिबल बोल दो नाउ। मालिक कायनात को अपनी मार्केटिंग के लिए एक दिन के अंदर 30 दफा कहलवाना पड़ता, उसने फर्ज कर दिया कि जहां जाओ वहां पर क्या बोलना है, अजान दो मेरी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग की अजान कितनी दफा दी है जब से सीख रहे हो? चलो शाबाश, सारे अपने फोन ऑन करो राइट अवे, सब लोग अपने अपने फोन ऑन करें, वहां पर आप लोग लिखेंगे ना, मैं आई एम क्रिएटिंग, बेटा आप सीखी है ना, सर्टिफिकेट ले आई है। देखो मैं यहाँ पर कोई तकलीफ करने नहीं आया राइट ना, मैं 15 मिनट में भी उसने मुझे दिखा दिया, 15 मिनट में ना आपको कुछ सिखा सकता हूँ, बट यस आई कैन क्रिएट योर आइडेंटिटी। जी बेटा, सब लोग लाइव ऑन करेंगे, कैमरा अपनी तरफ करेंगे, और आप कहोगे दिस इज माय नेम, मैंने प्रैक्टिस करवानी है अभी, दिस इज माय नेम, ठीक है जी, and I am a digital marketer and I can help you in marketing, in advertising, I can help you in marketing your brand. बोलो सर, कोई यार गलती बता रहा है, बोलो बेटा, लाइव करो, लाइव 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 यार, तो हाथों में क्या है यार, सुस्त हो गए भाई, सब लोगों ने लाइव करना है अपना, जी बेटा प्लीज। अच्छा, अमेरिका के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की पर आवर सैलरी क्या है? हाँ, $32। ओके परफेक्ट, दैट्स द मिनिमम। अच्छे मार्केटर्स की सैलरी जो है $200 पर आवर। अच्छा अब्दुल वहाब, मेरी आप लोगों से कुछ जरूरत था, यहां से ना पाकिस्तान प्लीज, यहां से पाकिस्तान उड़ा रहे। When we talk about the digital marketing, we talk about the whole world, number one. और दूसरी बात यह है कि प्लीज अभी पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का, डिजिटल मार्केटिंग का कोई ट्रेंड नहीं चला, तो प्लीज डोंट ट्राई टू सेल योर सर्विस इन पाकिस्तान, स्ट्रेट अवे अपना ये सर्विस, अपना कंप्यूटर, अपने आप को मूव कर लो कहां पर, यूएसए में। कहां पर मूव करना है? यूएसए के अंदर, वहां पर आपकी सर्विसेज की भी डिमांड होगी, आपकी डिमांड होगी, आपको पैसे भी दिए जाएंगे। और मैं अब्दुल वहाब साहब आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग वेरी स्पेशल सेगमेंट इस चीज का हो कि यहां के बच्चे वहां पर जॉब कैसे ले सकते, जब तक आप लोग कमाओगे नहीं।
जब तक आप घुमाओगे नहीं तो उसके लिए तुम्हारा जरूरी है, और उसके लिए 20,000 रुपए की नौकरी के अंदर तो आप लोग की शादी हो जाएगी, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? डॉलर्स कमाने पड़ेगा। डॉलर्स कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ना बेटा, शादी कमा लो और ऐसी कमा लो रोज लाश मारे आप, ठीक है? सिलाव आपके अब्दुल वहाब से पूछो कि आप इतने खूबसूरत और इतनी महंगी घड़ी कहां से ली है, कैसे बनाई है? देखो, इंसान जब से दुनिया पे आया, उसको उसको क्या तवज्जो चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको पावर चाहिए, ठीक है? आज सुबह बाग में जाओ तो वहां पर पूरी कौम जो है वो इमरान खान बनने के चक्कर में, हजारों बच्चे आज सुबह वहां पर क्रिकेट खेल रहे। इस मुल्क में आज तक कहीं पर आपको नेशनल लेवल के ऊपर ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग पे कोई समझ नजर आती है? टीवी प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन नजर आती है? क्योंकि हम लोग इस चीज को वजूद नहीं देना चाहते। रसूल खुदा ने फरमाया, जिस चीज को वजूद देना चाहो उसका जिक्र शुरू कर दो, अल्लाह उसको वजूद दे देगा। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कसम खाई है, किसी एक ने मेरा वॉलेट, किसी एक ने अगर वीडियो अभी तक बना के शूट कर ली मेरे से आए पैसे, This is the opportunity. अभी बोला मैंने कि आप लोग अपनी लाइव वीडियो डालो, किसी एक ने नहीं बनाई, तो अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी आपके साथ? चल बस ठीक है, अभी से नहीं है, पहले कितना आ रही है? एक बंदा, कितने लोगों में से? दो लोग, और दो लोग, चलो बाकी शुरू हो गया दोबारा से। अच्छा, मेरे से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है यार, अच्छा मेरे से ये पूछो, मैं क्या करता हूँ 2007 के अंदर, बल्कि 2004 में इस बंदे फकीर ने पूरे ओंटारियो के अंदर सीयर्स कॉर्पोरेशन की ऑपरेशन क्लोज करवा दिए। 2004 में पाकिस्तान में सैकड़ों कॉल सेंटर्स मेरे लिए काम करते, कैसे यार, ये 5 पाव का भेजा मूव करना है बस, यहाँ से वहां पे। पाकिस्तानी टीवी चैनल बंद कर दो, ये 150 एंकर को सुनना बंद कर दो, इन लोगों को फॉलो करो, इनके पास आओ, ये आपको उस दुनिया के अंदर ले जाएंगे जिस दुनिया के अंदर क्या मिलता है आपको? डॉलर्स। क्या मिलता है? डॉलर्स। और हम लोग पूरी दुनिया से क्या मांग के फिर रहे हैं? किशोर लेके डॉलर। हमारे हमें तनख्वाहों के पैसे भी नहीं। और आखिरी बात जो मैं आपको बताऊं, आपको भी फोकस करना है अब्दुल वहाब, इस मुल्क के हर इंस्टीट्यूट को, हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है, हमें अपनी सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करना। आप लोगों में से ग्राफिक डिजाइनिंग कितने लोग कर रहे हैं, और उनसे लोगो डिजाइनिंग कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग? अच्छा जी बेटा, आप मुझे ये बताओ, आपको मालूम है रोबलॉक्स क्या है? नहीं। ओके, आप कितने किस्म की लोगो डिजाइनिंग कर लेती हो? तो 3D भी कर लेती हूँ। अच्छा, आपको एक चीज मैं बोलूंगा, नैनो स्केल का मालूम है? माइक्रो निश और नैनो स्केल? मैं एक्चुअली में थोड़ा बहुत है, इतना ज्यादा नहीं है। तो फिर किया क्यों? क्योंकि हमें बताया ही क्या? आपका क्या ख्याल है कि शरीफ आदमी ने मुझे भी बुलाया? टेक्निकली तो मैं इसका कंपेटिटर हूँ, क्यों बुलाया? ये बड़े हौसले की बात है। डाइवर्सिफिकेशन पहले टॉप से शुरू होती है। अब देखो, लोगो डिजाइनिंग पाकिस्तान के अंदर मैंने एक वीडियो डाली थी, हम लोग बड़ी स्पेसिफिक माइक्रो, आप समझ लो, कैटेगरीज के अंदर काम करते हैं। आप रोबलॉक्स क्या है? एक मंडी है, बच्चों की गेम्स की मंडी है, उधर हर बच्चा गेम्स खेल रहा है और गेम खेल के क्या है, अपनी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। तो
आप जाओ फाइबर पर जाकर लिखो कि लोगो डिजाइनिंग फॉर रोब्लॉक्स, आप लिखो लोगो डिजाइनिंग फॉर योर ईबे स्टोर, आप लिखो लोगो डिजाइनिंग फॉर एमेजॉन स्टोर, आपको क्या करना है, क्या करना है, लोगो डिजाइनिंग फॉर कोई और माइक्रोनिश, कोई मंडी, छोटी मंडी, फॉर योर ड्रॉप स्टोर, यार बोलो आइडिया, और लोगो डिजाइनिंग फॉर अलीबाबा, और शॉपिफाई स्टोर, और अच्छा वहां की मंडियों पे जाओ ना, अमेरिका की मंडियों पे जाओ, वहां पर क्या है, ये लोगो डिजाइनिंग फॉर योर यूट्यूब स्टोर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आप अपने ये कीवर्ड की गेम है सारी, लोगो डिजाइनिंग लिखोगे आप लोग फाइवर पे, तो आपके साथ कंपटीशन में 6 लाख लोग होंगे, लोगो डिजाइन फॉर रोब्लॉक्स लिखोगे तो कंपटीशन में 16 लोग होंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी है, आप 15 दिनों के कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए, और उन लोगों के लिए कराए मिसाल के तौर पर जो लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं, उन्हें लोगो डिजाइनिंग आती है, आपने क्या करना है अब्दुल वहाब, उसके अंदर मजीद 10-15 माइक्रो निशेज के गिग्स बनवा के डालने बच्चों के अपवर के ऊपर, फाइबर के ऊपर, ताकि बच्चों को इमीडिएटली ऑर्डर आए, उनको इमीडिएटली पैसा बनना शुरू हो। इमीडिएटली पैसा, सेम इन एसईओ, मैंने यहां पर एडवर्ड कितने लोग कर रहे हैं, भाई एडवर्ड्स एसईओ कितने लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा गुरु कौन था एसईओ वाला, जी बेटा आप एसईओ कर रहे हो, कितने कीवर्ड रैंक किए आप सर, आपने अमेरिका में, पाकिस्तान, किधर, पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान करने कोई नहीं, पाकिस्तान में काम नहीं करना, पैसे नहीं देना, इनके लिए अब्दुल वहाब के लिए उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कुछ सिखा दो, मैं तो पूरी कोशिश करती थी, पता नहीं कन्न बंद करके अंदर मेरे तो आड़ी गल तो सुन लेना, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ पल्ले डाल दीजिएगा Indeed.com, क्या Indeed, दोबारा बोलो Indeed.com, Indeed.com के ऊपर जाओ, प्रॉक्सी लगा के, पाकिस्तान का नहीं आईपी, प्रॉक्सी लगा के जाना है और जाके वहां लिखना SEO, देखना फिर एक महीने में आपको 10,000-15,000 जॉब एक महीने के अंदर, सिर्फ न्यूयॉर्क में लिखोगी तो न्यूयॉर्क में 10,000 जॉब दूंगी। अभी रिसेंटली मेरे बच्चे का $25 पर आवर के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, इनिशियल एग्रीमेंट, क्यों, हाँ मैं अभी आप लोगों को समझ, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बेचूं कि यार मेरे पास ₹1 के अंदर आज शाम क्रिकेट की वो टिकट है, कितने लोग ले सकते, सारे ले लेंगे ना, खातर अगर भाई, और मैं बोलूँ कि यार अच्छा मेरे पास जो है फुटबॉल की टिकट है, तू लेगा, क्यों, मंडी की डिमांड नहीं है, आप यहाँ पर अभी बाहर खड़े हो जाओ, बैट बॉल का स्टॉल लगा लो, ठीक है, बैट बॉल का स्टॉल लगा लो, आपके शाम तक सारे बैट निकल जाएंगे, बाहर जाके लॉन टेनिस या बैडमिंटन बेचना शुरू कर दो, कोई बिकेगी, तो भाई अल्लाह के बंदो पाकिस्तान में ऐसी क्यों बेच रहे हो, बात समझ में आ रही है, इसमें कुछ रही है कि नहीं, क्या बात, हाँ दीदी, आपको कैसे पता है, मैंने कहा आपने कहा पीएम है पाकिस्तानी, तो आप भाई इधर खड़े हो, आप कहाँ से लगती है पाकिस्तानी, अल्लाह कितना खूबसूरत नौजवान, हाँ कहाँ से लगते हैं पाकिस्तानी है भाई, जो बंदा आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हो, जो बंदा आपको एसईओ सिखा रहा हो, जो बंदा आपको एडवर्ड सिखा रहा हो, लगता है आपको बकवास, आपने कहा पाकिस्तान के लिए कुछ करना ही नहीं,
बाप ने यहाँ पर बैठ के अमेरिकन कंपनी को सर्विस दे रही है तो मुझे घुमा के उधर किसी उधर दे देना पाकिस्तान की डॉलर के लिए सोचते हैं लेकिन पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए भी सोचते हैं। पाकिस्तान क्या है? What is Pakistan? बहुत ऐसे कंट्रीज है। हाँ? कंट्री है क्या? पाकिस्तान माजर के साथ भूख नंग कशकोल कभी चाइना के पास अल्लाह का वास्ता है कभी आईएमएफ के पास अल्लाह का वास्ता है। इसी सब को तो कैसे खत्म करोगे? फिर पाकिस्तान को क्यों नहीं ऊपर ले जाते? तो कैसे जाएगा? फिर पाकिस्तान में आके कैसे ऐसे नहीं जाएगा? देखो हम लोग घूम लेंगे ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, कितने मिनट्स आ गए? 40 मिनट। हाँ जी जी सर, देख रहा हूँ। खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ भाई, कोई तकलीफ कर रहा है ना। हाँ जी जी भैया, तो अगर हम से अमेरिका पाकिस्तान को हम ही बनाएंगे तो अमेरिका से आके यहाँ पे ऐसी उसकी स्टार्ट करेंगे। अगर हम चाहे डॉलर के मुकाबले में रुपये को खड़ा नहीं करेंगे, पाउंड के मुकाबले में रुपये को खड़ा नहीं करेंगे, इंडियंस जितने भी लोग हैं जितने मुल्क हैं वो हमें अमेरिका नहीं समझेंगे तो फिर ये कौन करेगा? अगर हम नौजवान अगर अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ पे कौन आएगा? कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी भाई के लिए बहुत सारी रखना है कि गरीब आज तक आपने किसी गरीब को गरीब का मुलाजम देखा? वो किसी गरीब को गरीब का मुलाजम देखा है? नारे हम लोगों को नारे लगाने की आदत है। नारे तकबीर लगा लो, रात को जाके लेटे पड़े हो गए यार, किसी को हाथ से फड़क लाया यार, रोटी खानी है। What is this? गैरतमंद कौम गैरतमंद शख्स याद रखिएगा मर जाता है किसी के हाथ नहीं लगता। और आपको कहीं पर मैंने अपनी आइडेंटिटी मेरे ना कॉल सेंटर 2004 में बाहर से इंस्ट्रक्शन आई कि आप लोग जब कॉल करेंगे तो यू विल से योर नेम इज शान, योर नेम इज माइकल, योर नेम इज जॉन। मुझे पता चला, मैंने कहा खबरदार किसी ने अपना नाम चेंज किया। वी आर बट वी आर पाकिस्तानी। कोई पूछे जब कॉल सेंटर के कहां से कॉल कर रहे हो, आपने बताना है पाकिस्तान से। कभी आज तक चैट स्पोर्ट के ऊपर मेरी जो कंपनी है चैट स्पोर्ट के ऊपर स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन है झूठ नहीं बोलना। कहां से चैट दे रही है बेटा, आपने बताना है पाकिस्तान से। भाई देखिए, मेरा और आपका मकसद एक है, नुक्ता नजर एक है कि इस मुल्क की शान, इस मुल्क की आन हम सब ने मिलकर बनाई। देखो पाकिस्तान से आप लोग माजरत के साथ जब वहां पर लोग जाते हैं तो हमारे कुछ लोगों ने जाके हमारी क्रेडिबिलिटी खराब की है। जब आप जैसे ऑनेस्ट लोग जाएंगे सर्विसेज देंगे, मेरे बच्चे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ $25 पर आवर पे, मैंने कहा तू 3 घंटे काम करेगा कि कोई इंडियन तुझे कम्पीट ना कर सके। अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन है किसी चीज में बॉक्सिंग में तो कहां जाओगे? ये जो दुनिया का बेस्ट बॉक्सर है उससे जाकर सीखोगे ना कि नहीं? दुनिया की बेस्ट फैक्ट्री लगानी है पाकिस्तान में तो कहां से सीखोगे जाके? चाइना से। ठीक है, आपने
यहाँ पर कोई बड़ी आईटी कंपनी शुरू करनी है तो कहाँ पर बेहतरीन चीज सकते हो? कैलिफोर्निया के अंदर, सिलिकॉन वैली के अंदर। याद रखो, जब आप किसी गोरे से काम करोगे, अमेरिकन मंडियों में काम करोगे, वेरी कंपेटिटिव मंडियां, एक कीवर्ड रैंक करते हुए ना जान निकल जाएगी। सो आप तो वहां पर सीखोगे, उस मंडी के अंदर काम करके जीत लोगे, तो यहां पर आपकी जीत ही जीत। याद रखिएगा, आपको अगर आज यहाँ पर हम सब लोग मुसलमान ना होते, अगर वहां से कुछ लोग अरब से छोड़ के यहां पर ना आते, आपको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स हम जरूर बेचेंगे यार, लेकिन पहले ये एक्सपीरियंस कर लो चाइनीज के साथ काम करके, अमेरिकन के साथ काम करके, कि वो किस तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हैं। घुस जाओ हर कंपनी के अंदर, दुनिया की हर टॉप कंपनी के अंदर टॉप डिजिटल मार्केटर जो है वो कौन होना चाहिए? पाकिस्तान। क्या इस डॉलर को पाकिस्तान में लेके आने से पाकिस्तान में पैसे की जो पाकिस्तानी पैसा है जो हमारी करेंसी है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हमारे पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि क्या जो अपॉर्चुनिटीज हम बाय दे रहे हैं उन लोगों की कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? इस तरह तो देखें, जो चीज़ है कि हम पाकिस्तान के लोग भी हम बाहर के लोगों को स्टेबल करी जा रही है, उनके मतलब जो उनका काम है उनका करें, जो पाकिस्तान के लोगों की नीड है वो कौन पूरी करेगा? जब हमने बाहर के लोगों की पूरी कर देनी है, देन व्हाट विल डू फॉर पाकिस्तान? तो करेंसी तो डॉलर पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान की नीड है एज लाइक जो हमारी आप अगर इस बात पे आते हैं कि हमने बाहर का करना है तो अच्छी गाड़ियाँ बाहर से आती हैं, हम कहेंगे हमने अच्छी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है बाहर से आ रही है, जो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल है उसे कौन यूज़ करेगा? देखिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हम लोग हर साल बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने 40 बिलियन डॉलर बाहर से रेमिटेंस आते हैं, हम यहाँ से बाहर कमाना करे जाते हैं। आप हर शख्स का आज चांस मिला अमेरिका जाने का, आप लोग आपको चांस मिले दुबई जाने का, आप लोग चले जाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान में रहो, अपने घर के कमरे में रहो, मेरी बेटियों के लिए तो इससे जबरदस्त कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि चादर चार दीवारी के अंदर रहो, लेकिन सर्विसेज ग्लोबल विजन रखो। अब कोई पाकिस्तान नहीं है, वी लिव इन ग्लोबल वर्ल्ड, इंटरनेट एज के अंदर कोई पाकिस्तान नहीं है, बाउंड्री लेस हो चुकी है दुनिया। जिस तरह से 200 साल पहले कोई मुल्क नहीं था, आने वाले 50 सालों में मुल्क खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या? आइडियोलॉजी, और उसकी आइडियोलॉजी जो उसकी मार्केटिंग करेगा, और उसका सबक उसी तरह से है जिस तरह अल्लाह, अगर अल्लाह हमें ये ना देता यूरोप के अंदर अफ्रीका के अंदर अगर हम लोग नाने ना देते तो आज अल्लाह का ये दीन जिंदा होगा? बाकी सवाल आप। थैंक यू।